सभी जादुई पनडुब्बी जहाज की यात्रा और अद्भुत रक्षा की कहानी। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में एक जादुई पनडुब्बी रहती थी। उसका नाम सभी था और वह अन्य पनडुब्बियों से अलग थी क्योंकि उसमें बातचीत करने और भावनाओं को महसूस करने की शक्ति थी। उसे बच्चों को समुद्री आवेश में यात्रा कराना बहुत पसंद था। एक दिन सभी को एक विशेष मिशन मिला, गांव के यात्रियों को टाइटैनिक में ले जाना। गांव के बच्चे इस अद्भुत साहसिक कहानी को जीने के लिए उत्साहित हुए। वे सभी पनडुब्बी में सवारी की और आशामन में अपनी यात्रा की प्रतीक्षा में थे। सभी ने अपनी यात्रा शुरू की और समुन्दर की गहराई में गोताखोरी करना आरम्भ किया। बच्चे खिड़की से देख रहे थे और उन्हें चारों ओर तैरते हुए चमकदार समुद्री प्राणियों की आश्चर्यजनक दुनिया दिख रही थी। यह जैसा कि एक रहस्यमय और जादुई दुनिया में प्रवेश करने के समान था। लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज थी कि सभी को संभालना मुश्किल हो गया। उसके प्रयासों के बावजूद पनडुब्बी फंस गई और धीरे धीरे समुन्दर के गहराई में डूबने लगी। बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन सभी ने शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, स्थिर रहो और मेरी बातों का पालन करो। सभी ने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके एक आपात संकेत भेजा। भाग्यशाली तरीके से निकटवर्ती एक और जहाज संकेत प्राप्त करता है और तत्परता से सहायता के लिए आता है। उन्होंने सभी और बच्चों को जल्दी बचाया और सुरक्षित रूप से सतह पर ले आया। बच्चे सभी के बहादुरी और समर्पण के लिए आभारी थे। हालांकि उनकी यात्रा टाइटैनिक में पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत और यादगार अभियान जीवन का अनुभव किया था। वे सभी ने साहस और सहयोग की महत्व को सीखा। तब से सभी गांव में एक महानायक बन गई। वह हमेशा बच्चों को आश्चर्य यजन समुद्री खोजों में ले जाना जारी रखती थी, हमेशा उनकी सुरक्षा और खुशी की चिंता करते हुए। और इस तरह से एक पनडुब्बी की कहानी जन्मी, जिसने यात्रियों को टाइटैनिक में ले जाते समय डूबते हुए बचाया। यह बच्चों को साहस, हौसला और साझा करने की महत्वपूर्णता को याद दिलाती है, जो उनकी अपनी आगामी यात्राओं के हर क्षण का महत्व प्रशंसा करती है।